जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार श्रावण शुक्ला पूर्णिमा 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन के लिए मात्र राखी बांधने के लिए मात्र हमें लगभग एक घंटा मिलने वाला है, जो कि रात को 8:52 से 9:48 तक रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस दिन पूर्णिमा प्रातः 10:39 से प्रारंभ होकर अगले दिन 12 अगस्त को प्रातः 7:06 तक रहेगी। तो 11 अगस्त को प्रातः 10:39 से रात को 8:52 तक भद्रा रहेगी और भद्रा में रक्षाबंधन का पर्व, राखी बांधने का पर्व पूर्णतः निषेध बताया गया है। इसलिए यहां पर आपको रात को 8:52 के बाद ही अपने भाइयों के राखी बांधनी चाहिए, उनकी दीर्घायु की कामना करनी चाहिए और उसके पहले भद्रा में आपको ना तो सूंड जिमाने चाहिए, ना ही राखी बांधनी चाहिए, ना ही पूजा करनी चाहिए। तो 8:52 के बाद और 9:48 तक आप राखी बांधने का कार्य शास्त्रोक्त विधि के द्वारा कर सकते हैं। भद्रा को बिल्कुल टाल देना चाहिए। भद्रा में राखी और होली का यह दोनों पर्व निषेध बताए गए हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को आता है। इस वर्ष में रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त 2022 को गुरुवार को मनाया जाएगा। हालांकि शास्त्रकार मानते हैं कि जिस दिन भद्रा हो उस दिन भद्रा काल में, भद्रा के समय में राखी बांधना शुभ नहीं मानते हैं। ये भद्रा 11 अगस्त को सुबह लग जाएगी और वो 8:51 तक जो है भद्रा का काल रहेगा। तो शास्त्रकार मानते हैं भद्रा को छोड़ करके ही, भद्रा का त्याग करके ही और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहता है। और उसमें भी शास्त्रकार मानते हैं कि मध्यान्ह काल अथवा प्रदोष काल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना अति उत्तम होता है। दूसरे दिन, क्योंकि पहले दिन 11 अगस्त को सुबह 10:39 से लेकर के 12 तारीख को 7:05 तक जब है भद्रा का पूर्णिमा का त्यौहार रहेगा, तो पूर्णिमा दूसरे दिन 12 तारीख को सुबह सुबह ही है, अतः सुबह मनाना तो उचित नहीं मानते क्योंकि मध्यान्ह काल या प्रदोष काल जरूर पूर्णिमा के दिन होना चाहिए। अतः इस दिन खाली एक घंटा जो है शुद्ध माना है और वो आज वो प्रदोष काल जो मानते हैं हम जो है प्रदोष काल शाम को 8:51 से लेकर के और 9:50 तक रहेगा। ये एक घंटे का समय जो है श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि प्रदोष काल 7:11 से 9:50 तक रहेगा और भद्रा का समय 8:51 से 9:50 तक रहेगा। अतः यही समय सबसे उचित है।